कभी कभी कोई व्यक्ति दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है, परंतु चूक रह जाने के कारण वह स्वयं ही जाल में फंस जाता है। ऐसा ही हुआ है हापुड़ के ज्वेलरी का व्यवसाय करने वाले एक नौजवान सूरज वर्मा के साथ। हापुड़ के सूरज वर्मा अपने साले व ससुर को फंसाने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि वह स्वयं फंस गया और धौलाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सूरज वर्मा की थाना हाफिजपुर के गांव बड़ौदा सिहानी में ज्वेलरी की दुकान है। 29 फरवरी को डासना से अपनी दुकान लौटते वक्त वह गायब हो गया। सूरज के पिता छोटेलाल वर्मा ने थाना धौलाना में गुमशुदगी दर्ज कराई। धौलाना पुलिस ने अगले दिन ही राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी से सूरज को बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा की गई कड़ी पूछताछ पर सूरज ने सब कुछ सच उगल दिया और बताया कि उसने अपने साले व ससुर को फंसाने तथा रुपया ऐंठने के उद्देश्य से यह नाटक किया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी धौलाना ने पूरे प्रकरण से रहस्य का पर्दा उठाते हुए बताया। ये दिनांक 29 तारीख को थाना धौलाना पर एक सूचना लिखित रूप में प्राप्त हुई थी, एक सराफा व्यापारी सूरज सनफ छोटेलाल के गुमशुदा होने के संबंध में, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू की गई, जिसको विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए और खोज करते हुए मेहंदीपुर बालाजी से बरामद किया गया थाना धौलाना पुलिस के द्वारा। उससे पूछताछ और जाँच पड़ताल के बाद ये पूरा मामला जो जानकारी में आया है, इसके द्वारा एक झूठी कहानी बनाकर अपने आप को गुमशुदा होना और अपने साथ लूट होना बताया था। इसके संबंध में और गहराई से छानबीन की गई तो इसका ससुराली पक्ष से इसका वाद विवाद और कई पुराने मुकदमे सामने आए हैं। इसी क्रम में ससुराली जनों के द्वारा एक शिकायत की गई कि जिसमें इसके द्वारा उनके विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखाकर उनसे पैसे की मांग किया जाना सामने आया है। इसी संबंध में अभियोग पंजीकृत करते हुए आज इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।